सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से हो, खैरियत से ही रहना चाहिए भाई। और जैसे आपको पता है रोज़ लाइफ में हम लोग दांत अपने साफ करते हैं, टीथ ब्रश करते हैं, वैसे ही हमको रोज़मर्रा की लाइफ में अपनी चैन को भी ल्यूब और क्लियर करना चाहिए। अब आप कहेंगे क्या बात कर रहा है आमिर यार, कौन सी मजाक कर रहा है, बट ये रियलिटी है, सच्चाई है। अब क्यों करना चाहिए, क्या वजह है और किस प्रोडक्ट से करना चाहिए, तो उसका भी सोल्यूशन आज लेके आया। तो हेरिसन सोल्यूशन और TRM कैरी डेट कंपनी का मेरे पास चैन ल्यूब और चैन क्लीनर दो प्रोडक्ट हैं आए हैं आज मेरे पास। और इसके बारे में क्या खास बात है, ये और चैन क्लीनर से और चैन ल्यूब से कितना अच्छा है, क्या बेनिफिट है, क्या प्राइसिंग है, कैसे परचेज करना है, ये सब हम आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। और विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी चैन ल्यूब या चैन क्लीनर यूज़ करिएगा तो अपने हाथ में एक थोड़ा सा ग्लव्स वगैरह भी पहन लीजिएगा, जिससे आपको हाथ वगैरह गंदे होने की भी संभावना नहीं रहेगी। दूसरा, इसको ओपन एरिया में थोड़ा करिएगा, जैसे किसी कुछ स्मेल्स वगैरह कुछ हो तो आपको हार्म ना पहुँचाए वो। चलिए शुरू करते हैं। ग्लव्स पहन लिए मैंने, ग्लव्स पहन के पहले मैं आपको चेकआउट करवाता हूँ। चैन की हालत देखिए पहले आप कैसी है, थोड़ा आपको गंदी डस्ट पार्ट दिखाई दे रहा हो, देखिए कैसी पार्ट है अभी, देखिए देखा आपको चैन कितनी गंदी है भी, देखिए इससे डर जाएगा आपको, देखा आपने चैन कितनी अभी ऑयली टाइप की गंदी है अभी। तो सॉल्यूशन है, देखिए फर्स्ट स्टेप हमको करना होता है, पहले हम इस्तेमाल करते हैं चैन क्लीनर और उसके साथ एक ब्रश आता है। कैसे इस्तेमाल करना है, क्या करना है, पहले एक चीज़ और करनी है हमको, वेट करिए दिखा रहा हूँ। इस टाइप का कोई भी आपको बोर्ड लेके पीछे लगा रहे हैं, जिसमें कोई भी आपकी पार्ट्स वगैरह से कुछ स्प्रे डिस्क पे पीछे ना जाए, जिससे डिस्क पे अगर जाता है डिस्क थोड़ा चिकना वगैरह होने की दिक्कत फंस जाती है, ठीक है। चलिए पहले विदाउट वेस्टिंग अ टाइम इसको ओपन करा, इसके साथ आता है साथियों सब, इसकी स्टार्ट करते हैं। और हम पहले इसको हम चेयर क्लीन करते हैं, सिंपल सा है। उसके बाद हमको ये ब्रश लेना है, ब्रश आप देख सकते हैं, ब्रश को ऐसे फंसाना है अपने पार्ट इसमें ऐसे करके और फिर ऐसे चलाना है। और आप इसकी अगर अब इसकी आप गंदगी देखना चाहें तो नीचे मैं कैमरा मैन से कहूँगा गंदगी दिखाएं नीचे, देखिए देखिए पेपर पे डाल दीजिए, जब भी आप घर में इस्तेमाल करिए तो पेपर वगैरह भी यूज़ कर लीजिएगा। देखिए अब आपका ये देखिए हालत, ये देखिए ये हालत देखिए, चैन की आप हालत देख रहे हैं। और देखिए अगर आप इसको चैन को अगर आप चैन को आप रेगुलर साफ नहीं करेंगे तो चैन एकदम हार्ड हो जाएगी, और हार्ड होने का मतलब जब रास्ते में कोई जाए तो चैन जाएगी टूट, और चैन अगर टूट गई तो ना तो रास्ते में आप हो जाएंगे बेचैन, समझ गए ना। तो चैन ल्यूब और चैन इंपॉर्टेंट क्यों होती है, चैन क्लीनर अभी हो गया, चैन क्लीनर अभी हम सही से कर लें, फिर इसके बाद हम आपको चैन ल्यूब करके दिखाएंगे। पहले चैन क्लीनर का काम शुरू हो गया, उसके बाद हमें कॉटन एक कोई भी नॉर्मल सा कपड़ा लेके हल्के से उससे कपड़े से भी साफ़ कर लीजिएगा, जिससे आपकी चैन की सफाई और अच्छी हो जाएगी। देखिए इससे देखिए आपका चैन और क्लियर हो जाएगी आपकी, दिखाऊंगा देखिए कि चैन कितनी गंदी थी। और ये इम्पॉर्टेंट है, और एक बार 500 से लेके 1000 किलोमीटर तक एक बार आप कभी भी साफ़ कर सकते हैं आप, देखिए। हाँ, इसमें बेनिफिट ये भी है इस चैन ल्यूब कंपनी में, इस चैन ल्यूब कंपनी में एक बेनिफिट बताएं क्या आपका, अगर इन केस ऑफ आप बहुत जल्दी राइड पे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी में हैं और आपने चैन क्लीन कर ली है, ल्यूब करने का टाइम नहीं है, तो आपका अप्रॉक्स 100 किलोमीटर तक आप अपनी चैन गाड़ी चला सकते हैं, मतलब चैन से गाड़ी चला सकते हैं आप। अब आप क्लियर, अब आप चैन की हालत देख सकते हैं कितनी साफ़ हो गई, देखिए आप पहले मुकाबले और अब चैन देखिए आप कितनी साफ़ हो गई है। पहले हमने चैन क्लीन किया, अब आई बारी चैन ल्यूब, चैन ल्यूब अब करते हैं। और चैन ल्यूब का मैंने बताया था ना, तो चैन ल्यूब आप कर लें तो गाड़ियाँ 500 से 1000 किलोमीटर तक आप बेफिक्र चला सकते हैं, इससे आपके इंजन, आपकी चैन, आपकी एवरेज, आपकी ओवरऑल गाड़ी की परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा बेनिफिट पड़ने वाला है और पड़ जाता है। और ये औरों से क्यों अलग है, ये इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा पूरा एंड तक, मैं बताऊँगा क्यों अलग है और प्रोडक्ट, ठीक है ना। आइए दिखाते हैं चैन ल्यूब करके,
सिंपल सा है, वैसी बॉक्स है, ओपन करना है, आराम से उसको ऐसे स्प्रे करते रहना है। अब आपकी पूरी चैन ड्यूब हो गई है। देखिए आप, आपको अगर आवाज़ सुनाई दे रही हो तो थोड़ा आप आवाज़ सुनिए, थोड़ा आवाज़ सुनिए, चैन में फ़र्क कितना पड़ गया देखते वक्त। पहले आवाज़ अजीब सी आई थी और अब आवाज़ में कितना फ़र्क है। बैकग्राउंड म्यूजिक, बैकग्राउंड आवाज़ थोड़ी ट्रैफिक है, थोड़ा स्ट्रेस सुनाई ना दे। देखिए आप चैन, और देखिए सबसे अच्छी पार्ट क्या है इस प्रोडक्ट की। चलिए अब इस प्रोडक्ट की क्या खास बात है, ये प्रोडक्ट औरों से अलग क्यों है, ये चलिए बताते हैं। अब आपको सबर करिए, बताते हैं। देखा आपने चैन ल्यूब, चैन क्लियर करने से कितना बेनिफिट रहता है, आपकी बाइक की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। और एक ये हर 500 से 1000 किलोमीटर के बीच में एक बार आपको करते रहना चाहिए, इम्पॉर्टेंट है। इससे आपकी बाइक की लाइफ, बाइक अच्छी रहेगी। सभी हमने वीडियो में बताया था ना, चैन अगर टाइट हो गई, रास्ते में टूट गई, तो आपका चैन रहेगा। और ये सबसे अच्छी बात है, ये प्रोडक्ट मेक इन इंडिया है, ये हमारे भारत का ही प्रोडक्ट है। और भी प्रोडक्ट आते हैं, वो सब बाहर किए हैं, बट ये इंडिया का प्रोडक्ट है। और विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, और इसमें कितने ml का आता है, क्या प्राइसिंग है, ये पूरी आपको डिस्क्रिप्शन में पूरा में डिटेल मिल जाएगी। लिंक पे जाइए, लिंक पे क्लिक करिए जो भी आपको। और इसमें और भी प्रोडक्ट आते हैं, TRM कैलिडेट के और भी प्रोडक्ट्स आते हैं, जाके आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक में क्लिक करिए, जाके अपना जो बेस्ट प्रोडक्ट है परचेस करिए और अपनी राइड को बहुत अच्छा, बहुत स्मूथ बनाइए, और इससे आपकी गाड़ी का परफॉर्मेंस ऑल ओवर अच्छा हो ही जाता है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और ऑल्सो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर भी ज़रूर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आप लोग सब्सक्राइब करने में थोड़ी सी कंजूसी कर जाते हैं, लाइक भी कर दिए, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, लाइक का भी कोई पैसा नहीं होता। नीचे जाके आप कमेंट भी कर सकते हैं, आपके पास कौन सी गाड़ी है, आपके पास कौन सी स्कूटी है या कौन सी कार है, कुछ भी आपके पास है वो भी आप कमेंट में कर सकते हैं। और कहाँ से वीडियो आप देख रहे हैं, किस जगह से, वो भी आप देख कमेंट कर सकते हैं। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक के लिए वीडियो देखने के लिए। अपना ख्याल रखिए, बाय, टेक केयर।